रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा नेता आजम खान ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, पुलिस लोगों को घरों में घुसकर धमकी दे रही है। पुलिस लोगों से कह रही है कि अगर सपा का वोट दिया तो उनके घर खाली करा लिए जाएंगे। आजम खान ने कहा कि पुलिस ने उनकी पत्नी तक को नहीं बख्शा है, जो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक है। पुलिस ने उनसे कहा कि घर से बाहर मत निकलना। सपा नेता ने कहा कि अगर ऐसा ही चुनाव कराना है तो चुनाव आयोग भाजपा प्रत्याशी को जीता हुआ घोषित कर दे। हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी जब शिमला आएंगे तो हम ये आग्रह करेंगे उनसे कि वो इलेक्शन कमीशन से ये निवेदन करें कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को जीता हुआ घोषित कर दिया जाए। चुनाव की क्या जरूरत है जब चुनाव हो ही नहीं रहा है और जिस तरह की दहशत है, गलियों में फ्लैग मार्च और खुलेआम ये कहना हमारे पास इसकी भी रिकॉर्डिंग है कि निकलना मत घरों से बाहर, समाजवादी पार्टी को अगर वोट दिया तो ये घर खाली करा लिए जाएंगे। आप साहेबान का बहुत सहयोग रहा है आप, लेकिन ये बहस हो सकती है किसको सही हो रहा है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि रामपुर की मजलूम जनता को आपका सहयोग अभी तक नहीं मिला है। कहीं ना कहीं इस शहर के बाशिंदे भी हैं आप और एक जमीर भी रखते हैं अपना, उसका तकाजा है अगर पूरी बात न कह सकें न दिखा सकें और मेरी बुराइयों को इसलिए नजरअंदाज कर दें कि मैं तो कैंडिडेट हूं ही नहीं, हो सकता ही नहीं, सजा याफ्ता हूं और मेरे वोट देने का भी खत्म हो गया है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो बेदाग है पठान नहीं है, इंसान तो है, बेदाग इंसान है, हमें न बचाइए लेकिन अपने नामों को जिनसे आपकी पहचान है और आपसे इनकी पहचान है, इन नामों को बचाने की थोड़ी सी कोशिश कीजिए। शनिवार की देर रात लगभग 12 बजे सपा कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आजम खान ने कहा कि हम जो आरोप लगा रहे हैं उसके प्रमाण हमारे पास हैं, वीडियो फुटेज भी है और रिकॉर्डिंग भी, लेकिन कुछ खास वजह से हम इसे मीडिया को उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ माह पहले संपन्न हुए लोकसभा के उपचुनाव में क्या हुआ था किसी से छुपा नहीं है। अब विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है। आजम खान ने आरोप लगाया कि शनिवार की रात पुलिस ने 50 घरों के दरवाजे तोड़े हैं और महिलाओं के साथ अभद्रता की है। उन्होंने कहा कि रामपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, रालोद के अध्यक्ष जयंत चौधरी और भीम आर्मी के चंद्रशेखर भी आने वाले हैं। आजम ने सवाल उठाया कि आखिर ये किस बात के लिए रामपुर आ रहे हैं जब यहाँ चुनाव ही नहीं हो रहा, यहाँ तो पुलिस ने दहशत का माहौल बना रखा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किसी भी व्यवस्था को शोभा नहीं देता। उन्होंने रामपुर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि मुझे मत बचाइए, मैं तो सजा याफ्ता हूँ, चुनाव तो लड़ नहीं सकता हूँ, मुझे तो वोट डालने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन अपने नामों को जिनकी वजह से आपकी पहचान है उनको बचा लीजिए। आजम ने कहा कि ये न तो कटाक्ष है और न ही नसीहत, ये दर्दमंदाना अपील है, क्योंकि वो बहन बेटियों, वो माएं आपकी ही हैं जिनके साथ अपमानजनक व्यवहार हो रहा है। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।